गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पल्लो। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8 बजे से, और अभी हम लोग जो हैं ये देखिए इतने खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे भी। का फेवरेट जेट स्क्वायर मॉल में हम लोग जा रहे हैं, और आज हम लोग जो है अपनी एनिवर्सरी की पार्टी जो है सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। हमारे अभी आपको अंदर जाकर दिखाते हैं, है ना, एक खुशी, क्योंकि हम इस बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो आज हमें मौका मिला है, तो एक दिन रुक के हम लोग जा रहे हैं ना, रिलेटेड वाला हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट है, तो आज हमने स्पेशल ड्रेस भी पहनी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। सो हम लोग जा रहे जेट स्क्वायर मॉल की, और देखिए किस तरीके का नाइट में, और आज थोड़ा सा हवा भी चल रही है ये, और ये तो बहुत खुश होती है जेट स्क्वायर जाने के लिए, है ना, है ना। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जेट स्क्वायर मॉल में, और आज हम लोग एंट्री जो है पहली बार फ्रंट से कर रहे हैं, वरना हम लोग हमेशा पहले अपनी कार पार्किंग पे लगाते थे, देन हम लोग लिफ्ट से ऊपर आते थे, तो आज जो है हमने कार अपनी बाहर पार्क करी है, क्योंकि हमारा विचार यहाँ आने का नहीं था, लेकिन सृष्टि ने कहा कि नहीं मुझे जेट स्क्वायर मॉल जाना है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए, और सृष्टि यहाँ खेलने लग गई, क्योंकि क्रिसमस का अभी भी यहाँ पर डेकोरेशन वही था, तो सृष्टि काफ़ी इंजॉय कर रही थी। सो ये सृष्टि एस्केलेटर में जाने के लिए कितना खुश होती है, अभी देखना चाह रही हूँ मैं क्या करेगी, कोई नहीं की देखिए चले जाएगी। तो हम लोग जेट स्क्वायर मॉल तो बहुत बार गए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग 4th फ्लोर में गए, जहाँ पे आज तक हम लोग नहीं गए थे, तो यहाँ पे जो है स्मैश गेम ऑन करके एक एरिया है, जहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों के लिए गेमिंग का बहुत सारे नया खुला है यार, बच्चों के लिए ही है, पर यहाँ पे टोकन वगैरह तो सिस्टम नहीं है, फायदा नहीं, तो इसे हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हमें तो कभी कभी आने का मौका मिलता है इस वजह से, तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, एनिवर्सरी तो हमारी एक दिन पहले हो चुकी थी, एक दो दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन उस दिन हमें टाइम नहीं लगा था, तो आज हमें टाइम लगा था, हमने सोचा नहीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बाहर ज़रूर जाएंगे, तो आज हम लोग डिनर करने बाहर गए थे, तो यहीं 4th फ्लोर में जेट स्क्वायर मॉल के 4th फ्लोर में ही मैच गेम ऑन के जिस बगल में पंजाब ग्रिल करके रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ चले गए थे, इसका जो अंदर का पाउंड बहुत अच्छा था, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, और लेकिन प्राइस बहुत हाई था, क्योंकि देखिए इतना अच्छा है तो प्राइस तो हाई हो गई, तो जो ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, जिसको बड़े चाव से हमारे हस्बैंड जी गिलास में डाल रहे हैं, तो ये पानी ही हमें 2 गिलास जो है 300 रुपये का पड़ा था, तो जब बिल आया था तब थोड़ी देर के लिए धक्क हो गई थी कि यार इतने में तो हम 2 दिन बाहर खा सकते आराम से, लेकिन कोई नहीं, अब पैसे तो देने ही थे, कौन सा पानी गले से हलक से निकाल के देते इनको, तो फटाफट हमने मेन्यू से ऑर्डर किया, तो एक तो हमने स्टार्टर ऑर्डर किया था, देन खाना थोड़ा बहुत ही ऑर्डर, क्योंकि बहुत हाई प्राइस था, तो हमने सोचा नॉर्मल तरीके से करते हैं और अच्छी जगह करते हैं, तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी काफ़ी खुश थे, खेल रही थी, और स्टार्टर हमारा आने वाला था, उससे पहले चटनी वगैरह सर्व हो गई थी, और हम लोग बैठे थे फर्स्ट क्लास सी, हमें सीट मिली हुई थी, बहुत अच्छा था। तो यहाँ हमारा स्टार्टर में आ गया था, यहाँ का फेमस है कुछ फंदू नाम ले रहे थे, हमें तो पता नहीं, हमें तो आलू के बोंडे टाइप के लगे, तो वो फिनिश किया, और उसके बाद हमारा जो है डिनर आया, जिसमें हमने मंगाया पनीर लबाबदार और नान, सिर्फ एक नान ही हमें 150 रुपये का पड़ा, तो इसको हमने फटाफट खाया, काफी इंजॉय किया, टेस्ट भी अच्छा था, और सिर्फ हमें एक ही नान इतना हाई पड़ा था, तो दूसरे नान हमने सोचा नहीं इतने में हम एडजस्ट कर लेंगे आज, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की ओर, काफ़ी लेट हो चुका था, अब हमने खा लिया है खाना वगैरह, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, ये देखिए हमारे मिस्टर जी, कैसा लगा आपको एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको लगा नहीं लगा? सही हो सही है, लगा सही लगा, पेट भर गया, भर पाया पेट भरा नहीं है, बहुत कॉस्टली, हम रड़ी से गए, घुस तो गए, घुसने के बाद निकलने का मन नहीं करा,
इस वजह से, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगा। थोड़ा आज अपने से अपर लेवल के स्टैंडर्ड लेवल के वो रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, कोई नहीं, पर बहुत अच्छा था।